दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए हार्दिक पांड्या ने घोषित की मुंबई की टीम में शामिल के कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जिसके चलते बन गई मुंबई की टीम आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम। जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जहां पर मेगा ऑक्शन के लिए अब सभी फ्रेंचाइजी तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच नीलामी के शुरू होने से पहले ही कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम में कौन से बड़े बदलाव किए हैं ये तो आपको बताएंगे, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में से कौन है महान खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया आईपीएल 2025 अब से कुछ ही महीने के अंदर शुरू होने वाला है। हालांकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन के लिए सभी फ्रेंचाइजी तैयार हो चुकी हैं जो अब से कुछ दिनों के बाद होने वाली हैं। ऐसे में नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इस बीच हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान नीलामी से पहले कर दिया है जहां पर हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए कप्तान रहे रोहित शर्मा को शामिल कर लिया जिनको 16.30 करोड़ रुपए के अंदर चौथे खिलाड़ी के तौर पर रिटेन कर लिया गया। ऐसे में रोहित शर्मा एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर जॉश बटलर को शामिल करने की प्लानिंग कर ली है क्योंकि बटलर राजस्थान की टीम से रिलीज हो गए और मुंबई की टीम विदेशी विस्फोटक बल्लेबाज को ढूंढ रही है जो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके। ऐसे में जॉश बटलर को मुंबई की टीम खरीदने का प्रयास करेगी। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव को शामिल कर लिया है जो टीम के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने की बड़ी जिम्मेदारी है जहां पर सूर्य कुमार यादव को तीसरे रिटेन खिलाड़ी के तौर पर 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया है। इतने नहीं हार्दिक पांड्या ने चार नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को शामिल कर लिया जिनका 8 करोड़ रुपए में मुंबई की टीम ने पांचवें रिटर्न खिलाड़ी के तौर पर शामिल कर लिया जो टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी इतना ही नहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को शामिल किया जो इस बार के आईपीएल में टीम के कप्तान फिर से रहने वाले हैं जिसके चलते हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टिम डेविड को दोबारा से शामिल करते हुए मुंबई की टीम दिखाई देने वाली है क्योंकि करण पोलार्ड की जगह पर फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर इस खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया था। ऐसे में एक बार फिर से इनको टीम में शामिल कर लिया गया। इतना ही नहीं हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल करने की योजना बना ली है जो टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतना नहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर पीयूष चावला को शामिल करने का दोबारा से मन बना लिया है जो टीम के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं खुद हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जो मुंबई की टीम की पहली रिटेंशन 18 करोड़ की। ऐसे में हार्दिक पांड्या को रिटेन करने के जरिए मुंबई की टीम सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि इस गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित लगातार किया है। इतना नहीं अब इनका साथ देने के लिए एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आकाश मढ़वाल को शामिल कर लिया है जो मुंबई की टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में एक बार फिर से इनको बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। इतने नहीं हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंदबाज के तौर पर गेराल्ड कुएत्जी को फिर से शामिल कर लिया क्योंकि इन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है क्योंकि इनके ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज होगा। ऐसे में अब इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ हार्दिक पांड्या आईपीएल 2025 में मुंबई की टीम को फिर से चैंपियन बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुंबई की टीम की प्लेइंग 11 आईपीएल 2025 में क्या हो सकती है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।